बताया कि 28 और 29 जो है कि दरमियानी रात को एक फायर इंसिडेंट का रिपोर्ट हुआ पुलिस स्टेशन मटन में। ये फायर इंसिडेंट जो है वो एक कश्मीरी पंडित के घर से स्टार्ट हो गया, जिसका श्री आनंद जी राजदान के घर से स्टार्ट हुआ। रिपोर्ट मिलते ही SHO मटन अलॉन्ग विद द पुलिस पार्टी जो है वो स्पॉट पे पहुंचे और फायर ब्रिगेड को लाया गया और तकरीबन 1.5 घंटे के अरसे में इस फायर को पे काबू पा लिया गया और उसको डोज किया गया। जहाँ तक फायर का इंसिडेंट है, उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टेंट जो साथ में जो घर थे, जिसमें शादीलाल राजदान का, श्यामलाल पटवार का जो घर है उसमें भी डैमेज हुआ और एक कुठार जिसमें जो है ग्रेन स्टोर होते हैं वो भी उसमें डैमेज हुआ उस फायर के इंसिडेंट में। इस इमिजिएटली आफ्टर द फायर इंसिडेंट जो है वो हमने जो है वो FSL टीम को जो है वो मंगवाया, CCTV कैमराज जो है जितने भी अलॉन्ग साइड से है उनका CCTV कवरेज जो है वो हमने टेप की। इस इंसिडेंट के बाद जो है पुलिस स्टेशन मटन में जो है वो FIR जो है वो रजिस्टर हुआ, FIR 76 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 326 भारतीय न्यायालय के तहत जो है वो ये रजिस्टर हुआ और इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की। मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी रोबस्ट तरीके से हमने स्टार्ट की है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को जो है वो एक सीनियर ऑफिसर्स के तहत इसको सुपरवाइज किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन में FSL को, CCTVs को और जितना भी हमारे पास टेक्निकल नो हाउ जो है उसको जो है वो बराए कार हम ला रहे हैं, ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को रोबस्ट तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इस इंसिडेंट के बारे में जल्द से जल्द आप लोगों को भी और जो है वो हम बता सकें कि ये इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट कैसे हुआ और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो हम आपको बता देंगे।